महात्मा गांधी की जयंती पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने स्वच्छता पखवाड़े के समापन कार्यक्रम में विकास की अनेक सौगात दी। इसके अलावा सफाई मित्रों को सम्मानित कर उनके खातों में 3,000 की प्रोत्साहन राशि 69,42,000 रुपए सिंगल क्लिक के जरिए ट्रांसफर की। इस कार्यक्रम में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी वर्चुअली शामिल हुए। इस दौरान 685 करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं का लोकार्पण और भूमि पूजन किया गया। 125 सीएनजी रोड टू डोर वाहनों को सीएम मोहन ने हरी झंडी दिखाई। मुख्यमंत्री मोहन यादव ने महात्मा गांधी को उनकी जयंती के अवसर पर श्रद्धांजलि दी और कहा कि भारत देश को स्वतंत्र कराने में उनके योगदान को कभी नहीं भूलेगा। सीएम यादव ने देश के दूसरे प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री को भी उनकी जयंती पर याद करते हुए कहा कि हम उनके जीवन से सीख सकते हैं कि कठिनाइयों के बावजूद कैसे महान ऊंचाइयों को छुआ जा सकता है। 2014 के पहले केवल याद करो, स्मरण करो, महात्मा गांधी जी की जयंती तो हम हर साल मनाते थे, लाल बहादुर शास्त्री जी की जयंती भी मनाते थे, लेकिन एक व्यक्ति इस दुनिया के सबसे बड़े गणतंत्र का नायक जब बनता है यशस्वी प्रधानमंत्री के रूप में, वो कितने क्षेत्रों में काम करता है, कितने प्रकार से काम करता है, और खास करके इस बात की तो कोई कल्पना ही नहीं कर सकता है, जिस बात को जब उनने पहली बार अपने मंच से उठाया लाल किले की प्राचीर से 15 अगस्त को, सच मानो मेरे मन में भी एक प्रश्न उठा कि ये प्रश्न या ये बात लाल किले से उठाना चाहिए क्या। लेकिन मुझे ध्यान में अब आता है, वास्तव में यशस्वी प्रधानमंत्री के प्रति आभार माने हम उनका अभिनंदन करें नरेंद्र मोदी जी का, जिनने ये देव समान काम है हमारी जिंदगी में मृत्यु और स्वास्थ्य के बीच में देवता की तरह जिनने अपनी भूमिका अदा की, वो सारे स्वच्छता कर्मियों को मैं प्रणाम करता हूं, अभिनंदन करता हूं, आपके बड़े योगदान को स्मरण करता हूं।